नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बहुत ही अच्छी क्लास और दिल्ली होमगार्ड की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न, जीके के रामबाण प्रश्न है। पिछली भर्तियों पर, जैसे पिछली भर्तियों में प्रश्न पूछे थे ना, उन पर आधारित प्रश्न है। उनसे जो उनमें एग्जामों में जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों की मैं बात करने वाला हूं। और ये 25 प्रश्न है ना, ये मान लो रामबाण है, पेपर में छपने वाले प्रश्न है। तो पूरा का पूरा प्रश्न को देखें और उसको समझने की कोशिश करें कि किस टाइप के प्रश्न आए हैं। पहले प्रश्न में ले चलता हूं मैं आपको। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 के द्वारा आयोजित की गई थी। यानी ये काकोरी जो डकैती थी, काकोरी कांड के नाम से जो जाना जाता था, इनको अंजाम किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, अनुशासन समिति ने और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। कौन था? तो बेटा आपको बता दूं, जो स्वराज पार्टी थी उसकी स्थापना 1923 में हुई थी। 1923 में इसकी स्थापना एक तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। और स्वराज पार्टी पहली पार्टी थी जो स्वराज शब्द के लिए बनी हुई थी। कांग्रेस की स्थापना की बात करूं तो दोस्तों, कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना के समय इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, वो कौन थे दोस्तों? डब्ल्यू सी बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे, संस्थापक की बात करूं तो ए ओ हुम थे। और इसके संस्थापक जो सदस्य थे वो दादा भाई नौरोजी, के साथ एक व्यक्ति और था। कौन था? दिनेश वाचा। इसे जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो मुंबई में हुई थी। मुंबई में हुई थी और मुंबई के कौन से? गोकुलदास, तेजपाल, संस्कृते महाविद्यालय में, इसकी स्थापना हुई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा काकोरी डकैती की गई थी 1925 में। इसके थोड़े से मैं आंकड़ों पर ले चलूं तो देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना है ना, वो 24 अक्टूबर 1924 में हुई थी। तथा इसके जो क्रांतिकारी जो नेता थे ना, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और रविंद्रनाथ सान्याल आदि। कानपुर में इन्होंने ये काकोरी कांड किया था। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई और इसके चार जो क्रांतिकारी थे, इन चारों को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। पहला प्रश्न था, कमेंट्स में जो उत्तर आया है लगभग लोगों का सही है। और कमेंट्स करते रहे, वीडियो को शेयर कर दें, जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न कौन सा है? कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है? सोयाबीन का उत्पादक राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो आप सबको पता होगा कौन है भाई साहब? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अभी जो सीएम बने हैं वो कौन बने हैं दोस्तों? मोहन यादव। कौन बने हैं? मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं। और मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे चलो तो दोस्तों, आगे है भारत में सबसे पहले आने वाली और सबसे बाद में जाने वाली कौन थे भाई? भारत में सबसे पहले कौन आए थे और सबसे बाद में कौन गए थे? वो एक ही थे, तो आप जल्दी से बताओ, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे या डच थे? थोड़ा सा अंग्रेजों की बात करूं तो अंग्रेज थे ना भाई साहब, 16वीं शताब्दी में भारत आए थे। इनका जो पूरा बताऊं, 31 दिसंबर
1600 में, 31 दिसंबर 1600 में एक कंपनी की स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे ना 100 व्यापारियों का समूह था, 100 व्यापारियों का क्या था, समूह था। और इस समूह को मंजूरी एलिजाबेथ एलिजा, यहां जगह कम है, एलिजाबेथ प्रथम ने इसको मंजूरी दी थी। और इसको मंजूरी दिलाने वाले कौन थे, जो गवर्नर थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम इसको मंजूरी दिलाने वाले थे। आपका आंसर आ गया होगा, कौन थे दोस्तों, पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे भाई साहब, पुर्तगाली थे। आप इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख सकते हो, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे तथा सबसे बाद में भी गए थे, सबसे बाद में भी यही गए थे, सबसे पहले भी यही आए थे। 1505 में फ्रांसिसको द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। तो इन फैक्टों को थोड़ा सा आप दिमाग में रखने का प्रयास करें। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, कैबिनेट मिशन ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। कब आया था, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब देखो कैबिनेट मिशन का 3 सदस्य आए थे, कितने सदस्य आए थे, 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के आए थे, जिनमें कौन कौन से थे आपको सबको अगर मैं खोलकर बताना चाहूं तो यहां पर आ सकते हो। कैबिनेट मिशन प्रधानमंत्री एटली के शासनकाल में भारत आया था, यानी उस, देखो ये प्रश्न पूछा जाता है, होमगार्ड में काफी बार ऐसे प्रश्नों का समावेश हुआ है। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था या भारत को आजादी मिली थी उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो जॉर्ज एटली थे। और 3 सदस्य उन्होंने उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भारत भेजा था, जिसके 3 जो शिष्टमंडल के सदस्य थे, लॉर्ड पेंटिंग लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य दल भारत आया था और इन्होंने क्या था, भारत की सत्ता स्थानांतरण का काम किया था, यानी भारत के शासन को भारतीयों के द्वारा शासन कराने के स्थानांतरण पद्धति के लिए भारत आए थे। चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, देखो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैं करूं आईपीएल, एशिया कप, ये ध्यान रख लेना बेटा, वर्ल्ड कप, रणजी ट्रॉफी ये आदि है ना, ये आदि खेल किससे संबंधित है, क्रिकेट से। अरे किससे संबंधित है, क्रिकेट से। तो ये एक प्रश्न 100% आएगा, ये प्रश्न 100% आएगा। तो इसमें खेल से संबंधित है, वो चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। शतरंज में कौन कौन से शब्द यूज में लिए जाते हैं, विस्तप, गेमिट, चेकमेट, चेकमेट याद रखना बेटा, स्टेमलेट, पॉन, ग्रेड मास्टर, ये भी याद रखना। और भारत के प्रथम ग्रेड मास्टर कौन थे, विश्वनाथ आनंद भारत के प्रथम ग्रेड मास्टर थे। फीडे नाइट एलोरेंडिंग रेंग कोसल पीसे चेक, चेक को भी थोड़ा याद रखना, चेक और चेकमेट दोनों अलग अलग होते हैं। फुटबॉल के कुछ शब्द है उनको भी याद रखना, जैसे फुल वेक, हाफ वेक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक याद रखना बेटा, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी टाई ब्रेकर, हैट्रिक, हेड बॉल, स्वीपर, वेक, थ्रोइन, हेड बॉल, फाउल। अच्छा टेनिस से संबंधित भी कहे, जो टेनिस के जन्मदाता है ना वो कौन है, इंग्लैंड है। टेनिस का जन्म कहां हुआ था, इंग्लैंड में। और टेबल टेनिस इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में हुई थी, कब हुई थी, 1926 में। आगे बढ़ते थोड़ा सा, नमक यात्रा, नमक यात्रा जिसे अपन क्या कहते हैं, डांडी यात्रा, नमक यात्रा जिसे अपन क्या कहते हैं, डांडी यात्रा के रूप में जाना जाता है, उसके किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो डांडी यात्रा की शुरुआत होती है भाई साहब, कब होती है, डांडी यात्रा 1930 में, डांडी यात्रा कब होती है, 1930 में, ठीक है। जो डांडी यात्रा जो प्रारंभ होती है
उस दांडी यात्रा जो प्रारंभ बिंदु है वो साबरमती आश्रम से है, मती आश्रम से। अब साबरमती आश्रम का नाम लेकर और कहां तक गई थी, दांडी तक गई थी, ठीक है, ये दांडी तक गई थी। तो अब इस यात्रा के जो थे ना भाई साहब सर्वेसर्वा कौन थे, गांधी जी थे। अरे कौन थे, गांधी जी इसके सर्वेसर्वा थे। कौन थे, गांधी जी। राजा राय मोहन राय आपको याद ही है, सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक किसने लगवाई थी, राजा राम मोहन राय ने लगवाई थी। और कस्तूरबा गांधी जी की कौन है, गांधी जी की पत्नी, गांधी जी की पत्नी। आगे बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल की थी, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद याद आते ही आपको आ जाना चाहिए, कौन सा, शिकागो सम्मेलन, शिकागो धर्म सम्मेलन, कब है, 1893, कब है, 1893। शिकागो कहां है, अमेरिका में, अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, वहां पर स्वामी विवेकानंद गए थे। तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कब हुई थी, 1897 में, कब हुई थी भाई साहब, 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी भाई साहब, 1897 में शिकागो धर्म सम्मेलन, सॉरी 1893 में शिकागो सम्मेलन। और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कब हुई थी, रामकृष्ण मिशन जी परमहंस इसके गुरु का नाम था, उसकी स्थापना 1897 में, ठीक है। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह, गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, चलाया गया सत्याग्रह किससे संबंधित था, तो आपको थोड़े से दिमाग में आपके कोई अगर डैश बन रहा हो तो देखो 1915 में गांधी जी कहां, गांधी जी कहां लौटे, भारत लौटे। कंप्लीट है ये, तो दूसरी बात 1917 में चंपारण, या चंपारण, चंपारण कहां है, बिहार में, चंपारण आंदोलन में भाग लिया। चंपारण आंदोलन किससे था, नील की खेती से, नील की खेती से संबंधित था, खेती से संबंधित। तीन कठिया प्रथा से संबंधित है, ये आपको पता ही होगा। और 1918 कौन से, अहमदाबाद दा बाद मजदूर मिल, मिल, ठीक है। और 1918 ही खेड़ा आंदोलन, ये याद रखना, ये क्या था भाई साहब, सत्याग्रह, ये क्या था, सत्याग्रह था। तो किसने, औद्योगिक कर्मियों के लिए, औद्योगिक कर्मियों के लिए इन्होंने किया था, किन के लिए किया था, औद्योगिक कर्मियों के लिए, औद्योगिक की कर्मियों के लिए, ये ध्यान रखना। एक मिल थी उसमें कोई विवाद था जिसे उनको लेकर, तो उस विवाद को इन्होंने पूरा किया था। आगे चलते, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। देखो दो संशोधन याद रखना, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से 1993, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन कौन सा, 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों से, किससे, नगर निकायों से, ये भी कब, 1993। ये दोनों संशोधन आप थोड़े से याद रखना। तो क्या है, पंचायतों से 73वां संविधान संशोधन, कौन सा, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है। फिर है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है। अगर संविधान में संशोधन करना हुआ, क्या करना हुआ भाई साहब, संविधान में संशोधन करना हुआ और उस संशोधन के लिए विधेयक जो लाया जाता है वो कहां लाया जाता है, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, नहीं तो भाई साहब इसमें क्या है कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है या कहीं भी लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। देखो एक संसद होती है, संसद, संसद के तीन अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के अंग क्या है, अंग तीन अंग होते हैं, एक होता है भाई साहब राज्य सभा, क्या होता है राज्यसभा, एक क्या होता है भाई साहब लोकसभा, और एक क्या होता है राष्ट्रपति, क्या होता है राष्ट्रपति। ये संसद के दोनों सदन है, ये संसद के दोनों सदन है, दो सदन होते हैं संसद में, सदन कितने होते हैं दो, तो इनमें से चाहे राज्यसभा भी ला सकती है और लोकसभा भी ला सकती है, संशोधन में विधेयक को लाने का कार्य किसी के भी द्वारा किया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा भी किया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा भी किया जा सकता है। कंप्लीट है दोस्तों, अगर भाई साहब आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को शेयर कर दो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और मैं बता दूं भाई साहब अगर आप हमारी क्लास लेना चाहते हो होम गार्ड के लिए तो बाय स्टडी, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करके आप जो होमगार्ड है ना, होमगार्ड इस होमगार्ड का कोर्स ले सकते हो, कोर्स ले सकते हो, बहुत ही बेहतरीन कोर्स ही आपको यहां देखने को मिल सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए 98 87 64 60 20 इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे जो टेलीग्राम इंस्टाग्राम ऐप सबका लिंक प्राप्त कर सकते हो, मैसेज करते ही आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और जो दिल्ली होमगार्ड का कौन सा, दिल्ली होमगार्ड का जो वर्दी बैच है, कौन सा बैच है, वर्दी बैच है उसको खरीद लीजिए भाई साहब। कोर्स की कीमत अभी ऑफर चल रहा है 399 रुपए, कहां है 399 रुपए है, थोड़ा सा अगर मेरे को मिल जाए तो मैं आपको दिखा भी देता हूं वर्दी बैच हमने जो लॉन्च कर रखा है दिल्ली होमगार्ड का, आप देख सकते हो बहुत ही शानदार जानदार और जबरदस्त मिलेगा आपको जिसको ये रहा। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और ऐप को डाउनलोड करके इसका पूरा फायदा उठा सकते हो। वर्दी बैच है मात्र 399 है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करें, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, टोटल नोट्स और पीडीएफ मिलेंगे, टेड सीरीज मिलेगी, टॉप मोस्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा, और ये कोर्स एग्जाम तक रहेगा। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से आपको क्लासे मिल रही है, नियमित रूप से आपको ये क्लासे मिलती रहेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, मिलते हैं अगले टॉप 25 प्रश्नों में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।